जहां एक और ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों ने पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, वहीं दूसरी ओर फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए जहां एक और फिट इंडिया मूवमेंट के 2 साल पूरा होने पर फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया ताकि देश के लोग अपने फिटनेस को मॉनिटर कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें, कंपटीशन कर सकें एक दूसरे के साथ, और कहीं ना कहीं उनको और जागरूकता बढ़ाने का काम किया गया। आज 1 सितंबर को फिट इंडिया क्विज की लॉन्च किया गया है। ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इसमें रजिस्ट्रेशन होंगी और इसके लाखों स्कूल देश भर के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3,25,00,000 रुपए के इसमें इनाम मिलेंगे और इसमें जहां स्कूल को इनाम लाखों रुपए का मिलेगा, वहां पे खिलाड़ियों को भी लाखों रुपए के इनाम इसके साथ साथ मिल रहे हैं, और जो पैसा स्कूल को मिलेगा उसको भी खेल गतिविधियों पर खर्च करना होगा। तो एक और खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, खेलों में भागीदारी बढ़ेगी और खेलों को और खेलों के इतिहास और फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए फिटनेस का क्विज, ये अपने आप में हिंदुस्तान में पहली बार फिटनेस और स्पोर्ट्स पर एक स्पेसिफिक क्विज हो रहा है। सर, इससे स्कूलों को तो प्रोत्साहन मिलेगा, छात्रों को भी मिलेगा, स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें पैसा लग सकेगा जो इनाम की राशि, और छात्रों को तो निश्चित तौर पर देखिए, किसी भी युवा छात्र के लिए किसी नेशनल कंपटीशन में भाग लेना, पहले स्टेट का चैंपियन बनना, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप मिलना, तब भी नाम मान सम्मान मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, और जब राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं तब भी प्रदेश और स्कूल को पहचान दिलाने का भी मिलेगा और खुद को भी पहचान मिलेगी। तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है अपने ज्ञान को बढ़ाने का भी, पार्टिसिपेट करके इनाम कमाने का भी।